अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को क्रिकेट के मैदान से खबर देते चलें कि वहाब रियाज ने मोहम्मद आमिर के हक में ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर के लिए खुशखबरी, मोहम्मद के आमिर के फैन के लिए खुशखबरी आ चुकी है। तमाम डिटेल जानने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम की टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज़ है, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए अनाहत अहम सीरीज़ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज़ है। और पाकिस्तानी न्यूज़ चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जो कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के हक में ऐलान किया है। पहले नंबर पर इमाद वसीम को इस सीरीज़ में शामिल किया गया है, सीरीज़ के स्क्वाड में इमाद वसीम को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे जानब हमारे अपने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के हक में ऐलान किया है कि अगर मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस लेता है तो मोहम्मद आमिर को ज़रूर टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर की उम्दा परफॉर्मेंस और लीगों में अच्छी कारकर्दगी की बिना पर इसको टीम में शामिल किया जाएगा अगर मोहम्मद आमिर बशर्त के अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले। आप लोगों को क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस लेगा या नहीं, अपने लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ।